विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर, MNC कंपनीज जैसे नेट। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है AA3 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोज इतवार यानी बतारीख 2 अप्रैल का दिन है। आइए देखते हैं AA3 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सानहा अत्मिया सम्मेलनम प्रोग्राम में हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब जगतियाल में BRS लीडर बंदरी नरेंद्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो जगतियाल के 33वें डिवीजन के म्युनिसिपल काउंसलर बंदरी राजिता के शौहर थे। BRS MLC कलवा कुंतला कविता के इस्तकबाल के लिए न्यू बस स्टेशन पर मुनक़िद एक रैली के दौरान पार्टी कारकुनों के साथ रुख्स करते हुए नरेंद्र गिर गए। पार्टी कारकुनों के फौरी कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन और अस्पताल में दाखिल होने के बावजूद नरेंद्र का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। साइबराबाद पुलिस ने यहां कई बड़ी कंपनियों को डेटा की हैंडलिंग के लिए नोटिस जारी किया, जिसके नतीजे में इनके सार्फीर और क्लाइंट्स का डेटा गैर कानूनी तौर पर धोखाबाजों के हाथ लग गया। साइबराबाद पुलिस ने अफराद के डेटा की चोरी और फरोख्त में मलूस कम अज़ कम 3 ग्रुपों को पकड़ा। ताज़ा तरीन मामले में पुलिस ने हरियाणा के एक शख्स आनंद भारद्वाज को मुबैना तौर पर 67.7 करोड़ अफराद का डेटा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ये नोटिस टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेट्रिक्स, एक्सिस बैंक, पॉलिसी बाजार, क्लब महिंद्रा, फेसबुक, फोनपे और बिग बास्केट को जारी किए गए थे। अप्रैल में से 2 दिन बशमोल, उपल और बोरामंडा में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। BRS चीफ के KCR की नज़र महाराष्ट्र में 200 बलदियाती इदारों पर है। BRS के सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को मुल्क भर के किसानों को मुतहद करने पर जोर दिया, इस एतमाद का इजहार करते हुए कि अगर वो इखलास के साथ काम करेंगे तो वो जीत जाएंगे। हफ्ते के रोज KCR ने महाराष्ट्र शेतकारी संगठना के कई लीडरों का खैर मकदम किया, बशमोल शरद जोशी प्रणीत हैदराबाद के तेलंगाना भवन में BRS फोल्ड में। इस मौके पर इज्तिमाई से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि BRS महाराष्ट्र में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और इन सीटों में से अक्सरियत हासिल करेगी। 14 वज़ीरे आज़म इन्होंने BJP के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमतों के ज़रिए नाफिज किए गए 3 काले क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसानों की 13 माह की जद्दोजहद को याद किया। आज एक बात मैं कहता हूँ, फख्र से भी कहता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान के हिसाब, इस केंद्र सरकार का हिसाब है, मेरा नहीं है आंकड़ा, मेरा नहीं, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट है। आज पूरे भारत में, पूरे भारत देश में 94 लाख एकर्स में धान है, पैडी है, 94 लाख, जिसमें से 56 लाख एकर सिर्फ तेलंगाना में है, यानी कि जितना तेलंगाना में है उसमें आधा भी पूरे भारत में नहीं है। आज इसी टाइम, कल जाते जाते आप रास्ते में देखोगे, आज मार्च के अंत में April 1st आज के दिन है, आज नदियों में पानी देखोगे आप, इसलिए मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ। हरी साधु से मेरा निवेदन है, आप कुड़वेली वागू, हल्दी वागू इनको जरूर बता दे, नंगनूर पिदवा को बता दे, अप्रैल महीने में नदियाँ कैसे बह रहे हैं तेलंगाना में, यहाँ हिमालय तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन हिमालय से ऊंचा संकल्प है, वो संकल्प है, वो आज नदियों में पानी बहा रहा है। ये काम संभव है, हर जगह बिल्कुल संभव है। 2-3 शब्द और बताऊंगा फिर मैं बैठ जाता हूं, फिर आप